क्या पता था? तुम ही वो हो जो हमारे डिब्बों में झांकते हो। हाँ तो? तो क्या मतलब? तुम ऐसा करते ही क्यों हो तांजू? क्योंकि वो तुम्हारा डिब्बा नहीं है। क्या मतलब? बाहर फेंका हुआ डिब्बा पब्लिक का होता है, कोई भी नजर मार सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही है। कहा ना नहीं। इधर दो इसे। नहीं दूंगा। बोला ना तुमसे। बकवास मत करो। ये नई टोपी कैसी लगी है? तुमने दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, तुमने तोड़ा है। अब बिना दरवाजे के कैसे रहेंगे? रैमजी, ये बॉस मार रहा है। अब बिना दरवाजे क्या करेंगे? कादरिया देखेगी तो बरस पड़ेगी। पापा, पापा, ये अखबार देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी दरवाजों की दुकान है और आज सभी दरवाजों पर 50% की छूट है। चलो फिर चलकर खरीद लाते हैं। तांजू, तुम हमारे साथ चलोगे और दरवाजे को लाने में हमारी मदद करोगे। पर पापा, ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। कितनी दूर है? शहर के बाहर है। पर एक मिनट, दुकान की अपनी कार सर्विस है, उसमें जा सकते हैं। ये अच्छा होगा, बदबू वाली जगह से। उस बदबूदार डिब्बे को सर से हटाओ निकाटी। पर क्यों? ये तो मुझ पे अच्छी लग रही है। हमें गाड़ी यहीं से मिलेगी ना बेटा? इसके हिसाब से तो गाड़ी को ठीक 2 मिनट में आ जाना चाहिए था। तुम लोगों के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी आओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2। अरे बाबा जल्दी करो। मजाक कर रहा था। इतनी तेज क्यों? ये तो रॉकेट के स्पीड में भगा रहा है पापा। अरे ड्राइवर, ये गाड़ी इतनी खाली क्यों है? क्योंकि इस बस में कोई दोबारा बैठ ही नहीं पाया। क्या बोल रहे हो? वो सब तो भूल गए थे, तुम लोग भी भूल जाओगे। हाँ भूल जाओगे, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। क्या भूल गए रैमजी? मैं फ्रिज का स्विच बंद करना भूल गया था, कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा। तुम्हारी बिल्ली का क्या हुआ जो तुम्हारे पास थी? तुम्हारे पास बिल्ली भी है निकाटी? हाँ, तुम्हें नहीं पता, कल ही तो घर लेकर आया था। बस रहने दो, अगर कोई हम दोनों की ऐसी बातें सुनेगा तो समझेगा दोनों खिसकेले हैं। अरे दया, मेरा पेट माटला मर गया। थोड़ी खिड़की खोल देता हूँ ताकि वो सांस ले सके। रुको निकाटी, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली की कसम। वाह कमाल है, कितनी जगह है यहाँ पर। ये क्या था, मेरी तो सांस ही अटक गई। बाहर निकलो, आखिरी गाड़ी 6:30 बजे आएगी और 6:36 पे तुम्हें घर पहुँचा देगी। वैसे एक बात बोलूँ, तुम लोग सब कुछ भूलने वाले हो। ये ड्राइवर तो सिर फिरा निकला। निकाटी, ये क्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को, क्या लगा है? तुम्हारा तो आधा चेहरा बूढ़ा हो गया है निकाटी। इस तरफ अपना नौजवान निकाटी और उस तरफ अपना बूढ़ा निकाटी। मस्त जोक मारा, दे ताली, देना। नहीं, मैं आधा बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तुम जल्दी ऊपर निकल लोगे, वैसे इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब तो दे दे ताली। निकाटी, तुम्हारे चेहरे को ठीक करने का एक तरीका है, मेरा मतलब दद्दू निकाटी। नहीं भाई, भाई भाई नहीं, दादाजी जो भी हो। बहुत ज्यादा बोल रहे हो छोटू, शांत हो जाओ। ये नई पीढ़ी को तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं तो बूढ़ों की तरह बात करने लग गया। अगर हम उसी तेजी से वापस चलें जितनी तेजी से आए थे, तब शायद तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो जाए। पर वैसा होने के लिए हमें गाड़ी के लिए 6:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो आओ जल्दी से उस दरवाजे को खरीद लेते हैं। तो आओ चले अपनी मंजिल की ओर, मुझे खुशी होगी अगर मैं जल्द से जल्द वापस पहले जैसा हो जाऊँ। निकाटे, तुम ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे बाप रे, इन्होंने लोहे का दरवाजा क्यों ले लिया? इससे कमल का नहीं मिल रहा था क्या? निकाटी की बदौलत हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो कुल मिलाकर 65%, देखा जाए तो एकदम मुफ्त। मैं बूढ़ा नहीं हूँ बेवड़े कहीं के, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या है, रसीद? फेंको इसे। दरवाजों की दुनिया है दरवाजों की, इधर दरवाजा उधर दरवाजा, सबसे बढ़िया हमारा दरवाजा। अब तक का सबसे घटिया गाना है ये। इतना ही है तो खुद लिख लो ना गाना। अरे चलो, मैं अपना टैलेंट यूं जाया नहीं करता। चलो चले यहाँ से। तीन, दो, एक। मैंने ऐसे पंक्चुअल ड्राइवर नहीं देखा। हाँ, तो लाओ अपनी टिकट। टिकट? क्या टिकट? कौन सा टिकट भाई? टिकट तो हम लोग भूल गए। क्या तुम लोग टिकट भूल गए? मूर्खो, टिकट कोई कैसे भूल सकता है? पागलो, दिमाग बेच आए हो क्या? क्या वो देखो, जिस यात्री के पास टिकट नहीं होगा वो वाहन में यात्रा नहीं कर सकता। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। पापा,
टिकट कहाँ गई? मैंने क्या किया था? दरअसल मुझे याद है मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी से, हमें वो टिकट ढूंढनी होगी। अरे रुक जाओ, मैं इस लोखंड के दरवाजे के साथ नहीं भाग सकता। अब क्या करें, ये दुकान तो बंद है। जमीन पर देखो, वो रसीद यही कहीं पड़ी होगी। आजा आजा टिकट, आजा आजा, मिल जा। ये है क्या? देखो तो नहीं, ये तो च्युइंगम है। कहाँ गया, कहाँ है? अरे क्या तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, रसीद मुझे दे दो, वो हमारा है। ओ, तुम वही मशहूर सिंगर हो ना जिसे मेरा घटिया गाना पसंद नहीं आया था? हाँ? क्यों, तुम्हारा ये मशहूर सिंगर घर जाने के लिए दोबारा बस में बैठ नहीं पाया? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा तो नहीं माने ना? मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, समझे? मैंने याद भी कर लिया है। दरवाजों की दुनिया क्या कमाल है, मेरे प्यारे दरवाजे, दुनिया में दरवाजा, दरवाजा दुनिया का मेरी जान। मैं चला, बाय। नहीं, खाया क्यों, किस लिए खाया तुमने? शायद उसे भूख लगी हो। चुप करो तांजू, हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं। सच में? ये लो फिर, अब मैं इसे और नहीं उठा सकता। हमें जबरदस्ती उस गाड़ी में चलने को कहा, और देखो अब हम कहाँ पर हैं। निकाते अपना मुंह बंद रख। पापा अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो फंस गए। हम उस मैस्कॉट का पीछा करेंगे और अपने रसीद को वापस लेंगे, कोई और चारा नहीं है। तुम ये दरवाजा पकड़ो और इसे यहाँ से ले चलो तांजू। कोई नहीं, मत करो, ऐड तो ऐसा रहा है जैसे कलेक्टर है। इस दरवाजे को मैं उठा लेता हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी है। अरे अच्छा खासा घर पर आराम कर रहे थे, एक दरवाजा क्या टूटा? इन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, ये क्या है, मुझे कुछ तो दिखा। क्या चीज दिखी? शायद कोई सफेद भालू है। सफेद भालू, वो भी रेगिस्तान में? तुम बहुत घबराए हुए हो तंजू, इसकी बात मत सुनो बेटा। पापा शायद तंजू ने ठीक कहा। ये क्या है, अब हम क्या करेंगे? मिल गया, जल्दी इसमें कूदो, जल्दी करो। भालू? पापा। क्या हुआ, बोल, बस पापा पापा कहता रहता है। अब क्या बोलूंगा, आप मेरे पापा हो ना? हाँ हूँ, हम एक अजीब से गड्ढे में हैं और यहाँ घुप अंधेरा है। अरे बाप रे, उन दरवाजों को तो देखो। देखो तो क्या लिखा है, खराब हुए पड़े दरवाजे। इनमें क्या खराबी है, मुझे तो ये एकदम बढ़िया दरवाजे लग रहे हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? ये क्या है, ये तो एकदम नई जगह लगती है। बंद करो इसे, बंद करो, एकदम से ठंड लगने लग गई। तो इसमें क्या है? अरे बाप रे, मुझे लगता है कि हम सबको सारे दरवाजे चेक करने चाहिए। अगर मदद नहीं मिली तो 5 मिनट के अंदर हम सब यही मिलेंगे। सब समझ गए? अब तो सब भगवान के भरोसे है। पापा मुझे समझ आ गया कि इन दरवाजों पर इन नंबरों का क्या मतलब है। वाह शाबाश, ये कोऑर्डिनेट मेरे साथ पहली बात बुझाओ। कोऑर्डिनेट दरअसल धरती पर एक खास जगह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझे? अरे वाह रे, जल्दी करो, पहले बूढ़े लोग चढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। बेटे अब हम क्या करें, तुमने कोऑर्डिनेट समझाया और छुप हो गए। एक मिनट, जब मैं नक्शे को ऑनलाइन देख रहा था तब मैंने घर का कोऑर्डिनेट सीखा था। मैं नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे एक पेन दो। ये लो, पर मुझे वापस कर देना, अमेरिका से लाया था मैं। 26 32 21। वो जल्दी करो, वो आ रहे हैं। याद आया, 19। जल्दी से सब कूदो। चला, मैं भी आया। हम बच गए मेरे बहादुर बेटे। अब मुझे मेरा पेन वापस कर दो साकिर, बहुत ही कीमती पेन है ये। मैं कोई उधारी नहीं रखता, पकड़ो इसे। अरे
दरवाजा बिल्कुल ठीक है। वाह, अब भी एकदम सलामत है। दोस्तों, मैं तो अब भी आधा बूढ़ा हूँ। दद्दू जी, मेरे प्यारे दद्दू। प्यारे दद्दू। घबराओ मत निकाटी, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। कहो तो तुम्हें थोड़ा फ्रेश क्यूम दे दूं, निकाटी। अपना पैर ऊपर करो, जल्दी कहा ना, जल्दी से। हाँ, अब नीचे कर लो, ठीक है। अब फिर से ऊपर कर लो। अब नीचे कर लो। ये लोग गेम में इतना घुस चुके हैं कि अब मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। रेमजी, निकाटी के सिर को अपने पैर से धक्का मारो। चलो चलो चलो, ठीक है, अब हटा लो। देखो तो इनको, ये लोग गेम में इतना डूबे हैं, ऐसा भी क्या है इसमें, बस हर वक्त शोर शराबा। इसमें ऐसा घुस जाएंगे जैसे देश बचा रहे हो। ये तो खत्म हो गया, अब अगला क्या है? उन लोगों से बदला लेना है जो ताकत मिलते ही पहलवानों की दुनिया से भाग खड़े हुए। हो जाए फिर। लो, अब तुम एक भी पहलवान को नहीं छोड़ोगे। सफाई करते वक्त चोट लग गई। निकाटी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ बनाने का मन कर रहा था। मैं तो ऐसी नहीं दिखती। कैसा लगा, बिल्कुल हूबहू है या नहीं? ओह, इससे याद आया, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, पर अभी तक मैंने साफ सफाई पूरी नहीं की। पता नहीं कैसे होगा सब। अब तुम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अरे बाबा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज कौन सा दिन है। हाँ, मुझे भी आज से ही जिम शुरू करना था, मैं तो चला। लो, अब करवा लो काम। कितनी आसानी से काम से बचे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। पापा, हम ही रह गए। डार्लिंग, सफाई का काम छोड़ के हमें बताओ क्या करना है। मुझे नफरत है, मुझे घर के काम से नफरत है, मुझे पर्दे लगाने से नफरत है, और प्रेस करने से तो सख्त नफरत, और मुझे झाड़ू बाल्टी और कपड़ों से सख्त नफरत है। हे भगवान, काश सभी झाड़ू और गंदे कपड़े इस दुनिया से गायब हो जाएं और कुछ काम ही न बचे। बाप रे। हे भगवान, लगता है बारिश होगी, अंदर चलो। अरे, ये तो बंद हो गया। अरे ओ, दरवाजा खोलो, कोई है जो सुन सकता है। एक सेकंड, आइडिया, आइए खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं, इससे उनका ध्यान हम पर पड़ेगा। हाँ सही है, हटो बेटे। पापा रुकिए, वो बहुत भारी है। अरे कहाँ हूँ मैं, बस मुझे याद है मेरा सर बजा था, बाकी कुछ याद नहीं। ये लोग कौन है? अरे सुनो सुनो, देखो वहाँ कोई है, उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ, वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। हे, यहाँ देखो, इधर देखो। इनको छोड़ो, पकड़ो, पकड़ो। नहीं, हम नहीं है, आयुषपत नहीं है। ओ, भागो बेटा, जल्दी से भागो, 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 भागो। डालो इन्हें। अब हम सीधे महल जाएंगे। उस्ताद ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या? गाड़ी रोको। ये क्या है? कुछ ढेर सा लगा है। ओ, आज का तो दिन बन गया, इतने सारे मस्त मस्त केले एक साथ। अरे वाह, इतने सारे केले, आज तो दिन ही बन गया, कूद पड़ो। जल्दी भागो, चलो। शहदत, कैसा खेला है ये? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हम लोगों को उल्लू बना दिया। हाँ? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हमें उल्लू बनाया।
बंदरों को उल्लू बनाया। अरे ओ तंजू, जरा भोंकू दबाओ। क्या बात, चलो उनसे पीछा तो छूटा हमारा। चलो भगवान का शुक्र है। इस जगह को क्या हो गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। सब कुछ तुम्हारे गायब होने से शुरू हुआ साकिर। सभी झाड़ू, गंदे कपड़े और साबुन गायब हो गए, और देखो तुम्हारी वजह से इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। वैसे हम कितने दिनों से गायब हैं? ठीक से कहूँ तो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन? और दुनिया ऐसी बन गई सिर्फ 2 दिनों में? अच्छा जरा रुको तो, हमारा घर कहाँ गया? टडा! है? 2 दिन हो चुके हैं, घर में पड़ा सारा खाना कैसे खत्म हो गया मुझे समझ नहीं आया। क्या घर में खाना पड़ा था, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा भी आ गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी जब से तुम लोग गायब हुए हो। अब बैठ जाओ और ये टायर खाओ। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? ये अजीब से हो गए हैं, कुछ ऊट पटांग सा खाना बना रहे हैं, और इस डिश का नाम है भाप वाली प्लास्टिक। आ जाओ सब लोग, आओ बच्चों बैठ जाओ, बैठो। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। बाहर अपनी गाड़ी देख ली होगी। हे भगवान, अब क्या करें? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो, मैंने देखता हूँ। तो मुझे तुम्हें रोकना है, तो मैं तुम्हें एक सड़ा सा जोक सुनाता हूँ, तो सुनो। एक दिन माइकल और जॉन सड़क पर पैदल चल रहे थे और उन्हें वो वहाँ है उस तरफ। बिना गाड़ी के और कितनी दूर भागेंगे? मुझे एक मस्त आइडिया आया है। पहले कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं। मेरा आइडिया इससे अच्छा था, पर इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। खाना खा ले, तुम दोनों तो वाकई में भुक्कड़ निकले। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं मस्त खाने के पुजारी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस झंझट से कैसे छुटकारा पाना है। जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो और भूख लग जाएगी। वैसे मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, पर अब जब तुम इतने उतावले हो तो कोई बात नहीं। ओ सांबा, 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 ये सांबा सांबा क्या बोल रहे हो? तुम आ गए। चल मेरी धन्नो, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल। ओके जेंटलमैन, हम पहुँच चुके हैं, नीचे उतरो सबके सब। शुक्रिया पापा बुरीटो, आगे की आपकी यात्रा सफल रहे। चलो अब मम्मी को छुड़ा लाते हैं, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों ने इस जगह को इतना गंदा क्यों कर रखा है। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि बेचारे लोग साफ सुथरी जगह पर आराम से बैठ सके, पर यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। अरे हम तो गंदगी में ही रहते हैं। अरे कौन है बे? अरे मैं हूँ, तुम्हारा पति रैमजी। रैमजी मेरा पुराना पति। चिल्ला मत पागल औरत। ये आवाज कैसी आ रही है? ए गॉड, जरा जाके देखो तो। देखो ये मेरा काम नहीं है, किसी और से बोलो। जाओ ये सुन बच्चे, घंटी बज गई है, जाओ अंदर जाओ। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी के अंडे बेच रहे हैं, क्या खरीदोगे तुम लोग? हाँ सस्ता और नया है, ताज़ा ताज़ा निकला है, लोगे क्या? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें प्लास्टिक के केले धोखे से छिपाए थे, पकड़ के लाओ इन्हें। अरे भाग्यवान जल्दी, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाने मत देना उन्हें, पीछा करो उनका। इनके घर की सफाई पूरी नहीं हुई है, बेचारी कादरिया जी को अब जाने देते हैं। भागो। माफ करना भाग्यवान, ये सब हमारी वजह से हुआ है। पर कैसे? दरअसल हम गुस्सा हो गए थे कि तुमने हमें घर का काम दे दिया। हमने दिल से चाहा कि सभी झाड़ू इस दुनिया से गायब हो जाए। हाँ मम्मी, मुझे भी माफ कर देना। पर तुम मुझे कभी माफ मत करना। छोड़ा, पकड़ो, पीछा करो, पकड़ो,
हे भगवान, वो लोग पास आ गए रैमजी, अब हम क्या करेंगे? इस बार मुझे बेवकूफी वाला आइडिया बनाना पड़ेगा। पापा बुरिटो यहाँ आएंगे और हम सबको बचाएंगे, बस तुम मेरे साथ सिर्फ भागती रहो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंप करो, जंप करो, जंप करो। ये क्या है, पापा बुरिटो कहाँ गए? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रैमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जंप करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं नहीं, मकड़ी मकड़ी। अरे रैमजी, क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो? मैं वापस आ चुका, मैं घर पर हूँ, एकदम साफ, काले बंदर भी नहीं है। रैमजी पागल हो गया। हट जाओ रास्ते से, मुझे फ्लोर साफ करना है। हटो 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 हटो। आखिर घर है, कोई रेगिस्तान नहीं। पूरे घर को चमका दूंगा मैं। मम्मी, लगता है पापा सना गए हैं। सब सही है, इन्हें साफ करने दो, बीच में मत पड़ो। तो हो जाए एक और बार ओ सांबा और पापा बुरिटो की याद में। क्या कहा? कुछ नहीं। चलो ना, था। मैं आउट हो गया। ए, चुप 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 हो जा, बॉस आ रहे हैं। हे गाइस, फास्ट ट्रेन में एक पैसेंजर ने सीट गंदी कर दी है, और लोग आने से पहले उसे जल्दी साफ कर दो। अरे सर, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। अरे तो फिर तुम जाओ, जल्दी करो। ठीक है ठीक है, जाता हूँ। स्टोर रूम में कितनी धूल भरी है, ये बाल्टी किधर गई? मिल गई मुझे। मेरा सिर फूट गया, ये क्या था? ये तो बॉक्स है, और ये काफी पुराना भी लग रहा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पिछली बार जब मैंने ऐसा डिब्बा खोला तो मुसीबत आ गई थी। चलो खोलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है, इतनी अजीब सी रोशनी, किस चीज की है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ। ये तो गोल्डन टिकट्स हैं। किस चीज के टिकट्स होंगी ये, और इस पर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? जो भी इसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंसेगा। आरिफ, कहाँ रह गए तू? बाल्टी लेके जल्दी आओ। आ रहा हूँ बॉस, बस आ ही गया मैं। मेला होता है मजेदार, मुझे है उससे प्यार। मैरी गो राउंड है लाजवाब, बचपन से दिखता था इसके ख्वाब। बम्पिंग कार्स की तेज है रफ्तार, चलाऊंगा आज बार बार। हॉरर हाउस में लगता है डर, फिर भी नहीं जाऊंगा मैं घर। अम्यूजमेंट पार्क बंद होने तक हर जगह घूमता रहूंगा मैं। बहुत खुश हूँ रामजी, आज मेले में जो जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े हो गए हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? डार्लिंग, बड़े लोग मेले में अकेले जाते हुए अजीब लगेंगे, इसीलिए बच्चों को साथ लाते हैं। तुम्हारे बहाने हम भी मस्ती कर लेंगे। पहुंच गए, क्योंकि हम सभी ऐसे मेलों के फैन हैं, अपने अपने तरीके से मेलों को सलामी देंगे। अरे हाँ, मेलों को सलामी देनी है, बहुत जरूरी है। अरे अंकल, आप तो कुछ भी करते रहते हैं। चलो हो गया, अब अंदर चले। चलो चलो भागो, चलो चलो। मुझे टिकट दो, मुझे 11 टिकट दो, मुझे 11 टिकट दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम सबके लिए काफी टिकट्स हैं। मुझे माफ कर देना, सारे टिकट आज खत्म हो गए, आपको टिकट नहीं मिलेगी। बुक को भूल जाओ, मुझे टिकट चाहिए अभी। वैसे ये टिकट बुक क्या है? टिकट टिकट, अरे आप भी चलाओ ना अंकल, टिकट टिकट। अगर तुमने अभी के अभी टिकट नहीं दी तो मैं अपनी मुझे खा लूंगा। क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, टिकट खत्म हो चुकी है। अभी आता हूँ। ये क्या है, थोड़ी बहुत टिकट्स मिल गई हैं, इसे कौन लेगा? देखो, मेरे पास सिर्फ 4 टिकट्स हैं, कुछ देर के लिए इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जब मेरे पास और टिकट्स आ जाएंगे, मुझसे आकर ले जाना। हैं, मेरी बात ही नहीं सुनी। लॉलीपॉप ले लो, मीठी मीठी लॉलीपॉप। बुढ़िया के बाल, मीठे बुढ़िया के बाल। पहले इस राइड पर चलेंगे। नहीं, पहले इस पर बैठेंगे। लेकिन मुझे ये पसंद है। प्लीज, पहले इस पर चलो। ठीक है, थोड़ी सी सांस ले लो, जिसे जो पसंद है उसी पर जाए। टिकट्स खत्म होने के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, ओके? मैं तो चला उधर। मैं यहाँ जाऊँगा। मैं भी कहीं ना कहीं जाऊँगा। मैंने चुना है मैरी गो राउंड, ये रही मेरी टिकट। डर का घर,
मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे? ये पकड़ो मेरी टिकट। इसे मैरी गो राउंड क्यों कहते हैं? गोल गोल घूमना कौन सी खुशी की बात है? इस राज का पता लगाना होगा। ये लो मेरी टिकट बच्चे। अरे बम्पिंग कार, मेरा पसंदीदा खेल है। ये रही मेरी टिकट, मेरा नंबर कब आएगा? क्या हुआ? चूल्हा क्यों रुका? हे ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं समझे, मेरा मतलब उस बच्चे से था। क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, सब तो ठीक है फिर भी ये काम नहीं कर रहा। लगता है हम तो गए काम से। नकमी तुम ठीक हो? तुम चाहो तो उतर सकते हो, सबसे नीचे तुम ही हो। उतर जाना चाहिए, सही कहा मेरे दोस्त तुमने। क्या डर का घर है ये, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। मैं बड़ा हो गया हूँ या डर जैसी कोई चीज थी ही नहीं? कैसा डरावना घर है ये। ये रुक क्यों गई? कैसे हो सागर? मेरा नाम कैसे जानते हो? मम्मी धक्का खाने के लिए तैयार रहना। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हटो हटो, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ भाई। इसका लाइसेंस तो है ना। इतनी देर से यहीं घूम रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं दिख रहा। इन्होंने तो मुझे ठग लिया। अरे ये क्या हो गया? शायद घोड़े का मूड खराब हो गया है। ओके, मत करो ऐसा, हिम्मत रखो बच्चे, बचाओ। अरे निकेटी बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। अरे मदद करो मेरी। नहीं कर सकता रामजी, मेरा घोड़ा पागल हो चुका है। शांत हो जाओ, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? हेलो रैमजी, क्या तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो? सीट बेल्ट लगा लो। डैडी, कार भी पागल हो चुकी है, ब्रेक नहीं लग रहा, कार अपने आप चल रही है। कार घोड़े सब पागल हो चुके हैं रैमजी, यहाँ हो क्या रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी? वाव, चौड़ी वाली लॉलीपॉप, मेरा कितना ख्याल रखते हो, थोड़ा सा खा लेता हूँ। तुम अभी तक गेम खेल रहे हो? मैंने इस बॉक्स में गोल्डन टिकट रखे थे, वो कहाँ गए? वो टिकट्स क्या, मैंने तो उन्हें बेच दिया। क्या कहा, उन्हें बेच डाला? वो बेचने के लिए नहीं थे बेवकूफ, उस पर लिखा था जो उसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। तुमने पढ़ा नहीं क्या उसे? कम अकल। अरे यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे समझाएगा भी? अरे वो मैं बॉस। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें कोई बचाओ, कोई झूले से नीचे उतारो। निकाटी बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे भी बचा लो। कार्टून के कैरेक्टर जिंदा हो गए हैं, मुझे बचाओ, जाने दो मुझे। लग गई भाई, मार करने वाले भागो, फंस चुके हैं। अरे मैंने ये क्या कर दिया, जरूर ये सब कुछ उन गोल्डन टिकट्स की वजह से हुआ है। कहाँ है वो टिकट, जल्दी से ढूंढना होगा, कहाँ चली गई? अरे फूड वैन, अरे फूड वैन, हुर्रे! अरे खुश मत हो निकेटी, हम तो टकराने वाले हैं। ये सब रैमजी की वजह से हुआ है, बुद्धू कहीं का। अरे निकेटी अपने आंखें खोलो। हम जिंदा हैं? क्या तुमने मुझे अभी बुद्धू कहा? नहीं, मैंने कब कहा, मैंने तुम्हें बुद्धिमान कहा। तुमने मुझे बुद्धिमान कहा, बनाओ मत। नहीं बना रहा। हे, तुम लोग जरा झगड़ना बंद करोगे? तुम्हारे बच्चे को कैसे बचाना है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, चलो जल्दी। क्या कहा, सच में? चलो निकेटी। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उन गोल्डन टिकट्स को ढूंढ कर उन्हें नष्ट करना होगा। ये रहा बॉक्स, जल्दी से ढूंढो। कहाँ गई वो गोल्डन टिकट? जल्दी ढूंढो, अरे जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो। ये रही। अरे बहुत बढ़िया, फाड़ डालो इसे। चल रहा है, अब आएगा मजा।
अरे डैड, कमाल कर दिया। अब दूसरी टिकट भी ढूंढनी होगी, जल्दी करो। अगली टिकट को मैं फाड़ूंगा, हो क्या फैसला। ये मुझे मिल गया। हुर्रे, मैं बच गया। हुर्रे। और ये रही आखिरी टिकट। मैं आ गया बेबी, फिर कभी मुझे डराना मत। तुम ठीक से समझ गई ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी। यू आर वेलकम। बच्चों की जान। मैं तो बस अपना फर्ज निभाया। बहुत बढ़िया आरिफ, तुम पर गर्व है मुझे। गेम खेलना बंद करो लेवेंट, जगह की सफाई करो जाके। पर मैं क्यों? वो तो ठीक है, तो इस बार सवारी करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की। नहीं, हम किसी की सवारी नहीं करने वाले। बहुत समझे तो टिकट्स मैं खरीदूंगा। टिकट तुम लोगे। बुद्धू होने की असली निशानी ये है। ये